ईद का त्यौहार है ये खुशियों का त्यौहार, ना तेरा है ना मेरा है, हम सबका है ये त्यौहार। जी हाँ, आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपके साथ मैं राजदा हुसैन और हम लेकर आए हैं अपना ईद स्पेशल कार्यक्रम रौनक ईद। ईद के इस खास मौके पर हम लेकर आए हैं खास प्रोग्राम रौनक ईद। ईद की खुमारी हर तरफ देखने को मिल रही है और ईद की खुशियां जो है ना वो डबल हो जाती है क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं। और इस ईद बहुत ही ज़्यादा खुशियां हैं, लोगों की खुशियां देखती ही बन रही हैं, बच्चों की खुशियां अलग होती हैं और ईद का पूरे साल भर लोग इंतज़ार करते हैं। एक महीने की इबादत के बाद, एक महीने की रोज़ा के बाद ये ईद की खुशियां ऊपर वाले की दी हुई खूबसूरत नेमत है जिसे हम मना रहे हैं। और हमारा देश ऐसे परंपराओं से भरा हुआ है जहाँ पर हम मिल बांटकर भाईचारगी के साथ, ईद हो चाहे दिवाली हो, सभी खुशियों को भाईचारगी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मनाते हैं। ईद की खुशियाँ डबल करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं उन जगहों पर जहाँ पर ईद की खुमारी छाई हुई है। रौनक ईद, ईद की खुशियाँ, ईद की खुमारी, राज्य के साथ साथ पूरे देश में ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। वाकई ये खुशियों का त्यौहार है और एक महीने के रमज़ान के बाद ये तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों को दिया जाता है। तो मिलजुल कर सभी भाईचारगी के साथ ईद तो मना ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है नए कपड़े ईद में, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये होता है कि क्या स्टाइल में है, फैशन में क्या चल रहा है। खासकर अगर लड़कियों की बात करें तो आजकल फैशन में क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हम ऐसे जगह पे हैं ईद के मौके पर जहाँ पर कई ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, और ख़ासकर अगर गाउन की बात करें तो गाउन सबसे ज़्यादा फैशन में है। शरारा या फिर गरारा की बात करें तो वो भी फैशन में है। तो आइए देखते हैं कि इस बार ईद में क्या ट्रेंडी है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, लड़कियों को क्या ख़ास पसंद आ रहा है। ये कुछ गाउन जो ईद के मौके पर लोग ख़रीद रहे हैं, पहन रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और कुछ और मुझे वहां पर दिख रहा है, वहां पर आपको लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर भी कुछ अलग सा थोड़ा होता क्या है ना कि जब हम फैशन की बात करते हैं तो दूसरों से थोड़ा अलग दिखना चाहते हैं, और अलग दिखने के लिए हमें थोड़े से ट्रेंड को चेंज करना पड़ता है। ये गाउन भी आजकल काफ़ी फैशन में है, लड़कियां इसे काफ़ी पसंद कर रही हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। और कुछ और भी है, कलर्स भी हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ फैशन में भी बदलाव आता है, और ईद का मौका है तो लोग थोड़े से अलग दिखना चाहते हैं, थोड़ा अलग पहनना चाहते हैं ताकि वो दूसरों से थोड़ा अलग लगे, ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये कुछ वैरायटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं जो इस बार ईद में लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। और ख़ासकर लड़कियों की बात करें तो गाउन तो चल ही रहा है, इसके अलावा अगर बात करें तो शरारा, गरारा, कई ऐसे ड्रेसेस हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से ड्रेसेस हैं जो इस बार ईद में ज़्यादा ट्रेंड में है, वो ज़रा बताएं। ये मैडम आजकल ये पैंट वाली, पैंट प्लाजो एंड पटियाला गरारा, ये जैसे कि एकदम न्यू ट्रेंड हो गए। फ्रंट होगा इसकी, बैक फ्रंट ओपन है और नीचे पैंट ओपन। ये काफी डिमांड में है, बहुत बहुत लेटेस्ट, इस बार बहुत अच्छी इसकी डिमांड रही है। एक पैटर्न ये पैंट के साथ होगी, ओके, और एक डिजाइन आप पर शरारा एंड गरारा जो है चला रही है मार्केट में सबसे ज्यादा। ये क्या है, ये आपका ये होगी ना, ये शरारा, यस। तो ये जो आप देख रहे हैं वो शरारा पैटर्न है और काफ़ी चल रहा है, लोग इसे, लड़कियां इसे काफ़ी पसंद कर रही हैं और वाइब्रेंट कलर भी है, हाँ डिमांड में है ना।
तो वाइब्रेंट कलर के साथ साथ कुछ ये हम कह सकते हैं कि पुराने जमाने में गरारा और शरारा एक वक्त हुआ करता था जो चलता था, वापस ये ट्रेंड में आ गए हैं तो लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। ये क्या है ये बताएं? तो ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन और काफ़ी हैवी वर्क है, तो जाहिर तौर पर ईद की खुशियां हैं तो लोग थोड़ा अलग दिखना चाहते हैं और उन्हीं में से ये एक पैटर्न है जो बेहद खूबसूरत है और लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, ट्रेंडी है। ईद के बाद शादियां भी होती है तो कहीं ना कहीं पर्पस वो भी हो जाता है कि एक साथ दो चीज़ें सामने आ जाए, निकल जाए। तो कह सकते हैं कि जो ईद की खुशियां हैं वो इन नए ड्रेसेस के साथ लोगों को बहुत भा रहे हैं। वाइब्रेंट कलर की अगर बात करें तो हालांकि गर्मी का मौसम तो है लेकिन ये जो कलर्स होते हैं ना, जो वाइब्रेंट कलर होते हैं ना, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं और इसके वर्क भी काफ़ी शार्प है। इसके वर्क की अगर बात करें, इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। ये मैडम आपको सर उसकी वर्क की आएगी, नीचे प्लाजो आएंगे, ये प्योर सिल्क के ऊपर होगा, ये पूरी एक सेट होगा, ये प्योर सिल्क एंड वर्क होगी सर उसकी, ये भी बहुत फैशन में, स्टोन से ज्यादा अच्छा क्रेज इसकी है। चलिए, गाउन में भी कुछ पैटर्न मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, इसके बारे में जरा बताएं कुछ इस स्टाइल के बारे में। एक्चुअली ईद के मौके में भी चलना है एंड आगे जैसे कि शादी वगैरह होती है तो उसमें भी लोग लेते हैं लगन कलेक्शन में। ये रियल डेरी का काम है। तो एक और बहुत ही खूबसूरत सा पीस जो इस बार ईद में लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो वाकई लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। तो जाहिर तौर पर जब ईद का मौका होता है तो लोग खुशियां मनाना चाहते हैं, थोड़े से अलग दिखना चाहते हैं और इन्हीं खुशियों के बीच वो नए कपड़े पहनते हैं ना तो वो खुशियाँ और भी ज़्यादा डबल हो जाती हैं। तो ईद के मौके पर ये कुछ ट्रेंडी ड्रेसेस है जो हम आपको दिखा रहे थे कि इस बार ईद में क्या चल रहे हैं, क्या फैशन में है। लड़कियों के फैशन की हमने बात की है, गाउन है, शरारा है, गरारा है, पैंट पैटर्न जो है वो काफ़ी डिमांड में है। तो भैया ये तो रही लड़कियों के ड्रेसेस की बातें, लेकिन अगर बात करें पुरुषों के लिए, जी हाँ, कुर्तों के बिना तो ईद फीकी है। तो आइए देखते हैं कि इस बार ईद के मौके पर कौन से ऐसे कुर्ते हैं जो ट्रेंड में हैं। तो भाई अब हम आ गए हैं मेल सेक्शन में और ईद में जो जेंट्स होते हैं घर के वो यही सोचते हैं कि सबसे पहले सुबह सवेरे जब वो नहा धोकर नमाज पढ़ने जाएं तो इन कुर्तों को, इन ट्रेंडी कुर्तों को पहने जो फैशन में हैं। तो ये कई कुर्ते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इस बार ईद में फैशन में है, लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर ईद के मौके पर जब लोग कुर्ता की डिमांड करते हैं तो कैसे डिमांड अभी मार्केट में है ईद को लेकर। सबसे अच्छी डिमांड है कुर्ती पजामा की, बहुत अच्छी चलती है, अब बहुत अच्छी ईद में दिखती है, अब बहुत सुंदर ही दिखती है। कुछ पठानी सूट की भी अलग अलग आइटम्स है, कुछ पैटर्न्स है, जरा उसके बारे में बताएं। पठानी सूट बहुत अच्छी चलती है आपके क्लासिक लड़के लोग की, लड़के लोग की ये बहुत अच्छी है। इस टाइप के कुछ टेढ़ा मेढ़ा स्टाइल्स ये सब बहुत अच्छी चलती है। तो ये भी काफी फैशन में है। तो ईद के मौके पर हालांकि हम देखते हैं कि जो जेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लोरल पसंद नहीं करते, पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में काफ़ी फ्लोरल है, चल रही है फ्लोर, अब बहुत अच्छी पठानी चल रही है। तो वक्त के साथ फैशन बदलता है, लोगों के चॉइसेस बदलते हैं और उसी में से एक है कि कुर्ते में भी अलग अलग वैरायटीज है, कलर कॉम्बिनेशन भी, खासकर जो लड़के होते हैं ना वो काफ़ी सोबर, काफ़ी सोबर पसंद करते, पर अब ब्राइट ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक जो ट्रेडिशनल हमारा वाइट, ब्राउन, क्रीम, ये सारे कलर्स आते थे लेकिन अब वैसे कलर्स नहीं आते हैं, लोग थोड़े वाइब्रेंट पसंद करते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो ये ग्रीन कलर का है, हम कह सकते हैं कि जो लड़कों की पसंद है वो भी थोड़ी सी बदली है वक्त के साथ। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये रेड कलर का कुर्ता है।
आप शायद हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि लड़के रेड कलर का कुर्ता पसंद करेंगे, पर ये फैशन में है, लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो भाई हमने दिखाया आपको कि कैसे लड़कियों की पसंद है गरारा शरारा, लड़कों की पहली पसंद बनी हुई है कुर्ते, और वो भी रंग बिरंगे। इन सब चीज़ों में हम छोटे छोटे बच्चों को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि भाई बच्चों की खुशियां जो है वो ईद में डबल हो जाती है। और बच्चे क्या कपड़े पहनकर खुश हो रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं, चलिए। तो ईद के इस खास मौके पर हम बच्चों के ड्रेसेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भाई हम आपको दिखाते हैं कि इस बार मार्केट में क्या फैशन में है, बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत फैशनेबल हो गए हैं और उन्हें भी वही सारी चीज़ें पसंद है जो फैशन में है, जो ट्रेंड में है। कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं मैं देख रही हूँ कि जो बच्चों के लिए है और बहुत खूबसूरत है। श्रग के साथ बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। ये भी एक पैटर्न मुझे दिख रहा है जो ईद के मौके पर बच्चे पसंद कर रहे हैं। श्रग के साथ है ये टी शर्ट और ऊपर से ये श्रग, जो बच्चों को काफ़ी कूल लुक देते हैं और काफ़ी स्टाइलिश लुक देते हैं। एक वाइब्रेंट कलर यहाँ पर दिख रहा है बच्चों के लिए। ये पैटर्न भी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। बच्चे आजकल के ना इतने फैशनेबल हो गए हैं कि आप उन्हें कुछ भी नहीं पहना सकते हैं, उन्हें वही चीज़ चाहिए होती है जो जो ट्रेंड में है। एक बच्चा हमारे साथ है, चलिए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने लिए क्या खरीदा है। ईद की शॉपिंग हो गई? हाँ। क्या खरीदे हो? ब्लेजर खरीदे और पैंट। इधर 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 देख करके बताओ। ब्लेजर पैंट और टी शर्ट गंजी अंदर से। ओहो, तो ब्लेजर है, टी शर्ट है, पैंट है। तो आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी अलग लुक इन्हें चाहिए होता है। और ना सिर्फ बॉयज़ को, अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का भी एक अलग ही फैशन है। लड़कियां जो छोटी बच्चियां होती हैं उनकी भी एक अलग ही पसंद होती है। उनके लिए फैशन में क्या कुछ चल रहा है आइए आपको दिखाते हैं। छोटी बच्चों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ट्रेंडी फ्रॉक्स नज़र आ रहे हैं जो बेहद खूबसूरत है और फ्रिल भी है साथ में। ज़रा आप कुछ बच्चियों के बारे में बताएं क्या कुछ फैशन में है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा पीस। अभी जो है गरारा ज़्यादा चल रहा है और गाउन। चलिए, बड़े बड़ी लड़कियों के साथ साथ छोटे बच्चों में भी गरारा। हाँ, गरारा का फैशन है। तो ये कुछ ऐसे पीसेज हैं जो छोटी बच्चियों के लिए काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं ईद के इस खास मौके पर, क्योंकि ईद का त्यौहार है और बच्चे अगर खुश ना हो तो फिर खुशियां थोड़ी सी फीकी हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम ऐसे डिज़ाइंस ऐसे पैटर्न्स मार्केट में हैं जो इस ईद बच्चों को काफ़ी भाने वाले हैं। और भाई कपड़ों की तो बात हो गई, इसके साथ ही अगर बात हम करें ईद के कुछ और आइटम्स की, तो उनमें एक ख़ास आइटम हो जाता है अतर का। अतर की क्या अहमियत है इस ईद के मौके पर ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।